गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, क्लास टेंथ, यूनिट 6 विद एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं आपके पास क्या गिवन है. लेट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ. आपका ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल डीईएफ का क्या है, बिल्कुल सिमिलर है. एंड देयर एरियाज बी, एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड बीसी. आपको क्या करना है, ईएफ आपके पास गिवन है, बीसी आपको फाइंड करना है. आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल है डीईएफ. तो सपोज आपने एबीसी यहां से बनाया, ए बी सी, तो आपका जो डीईएफ है वो यहां से बन गया डीईएफ. ठीक है, ये आपके ट्राइंगल्स हैं. अभी आपका इनका एरिया दे रखा है दोनों का रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें से आपके पास ईएफ की जो साइड है वो दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको क्या करना है, बीसी फाइंड करना है. ये वाली जो साइड है ना, इधर वाली बीसी, ये आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप लिखिए, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ. उसके बाद आप लिखिए, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है इज डिवाइडेड बाय ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया है वो कितना है आपके पास, 64 और 121. तो आप वो आप क्या करेंगे, राइट करेंगे. तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ आपके पास गिवन है और डिवाइड में दिया हुआ है. ठीक है, आपने क्या किया, इक्वल्स टू में यहाँ पे आपने ए बी इज डिवाइडेड बाय डी ई लिखा और इसकी क्या आगे आपके पास स्क्वायर आगे. ठीक है, इज इक्वल टू बी सी इज डिवाइडेड बाय ई एफ लिखा और इसकी आपके पास क्या आगे स्क्वायर. बिकॉज हमें पता है ट्राइंगल्स, हम ट्राइंगल्स के अगर सिमिलर होते हैं ना तो उसका जो रेशो होता है वो डिवाइड में हम लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे ए बी जो है और जो डी ई है वो दोनों क्या है, आपके इक्वल हैं. ठीक है, तो आप ए बी और डी ई दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. ऐसे ही आपका अनदर जो नेक्स्ट साइड हो जाएगी बी सी और ई एफ, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो आप इसकी स्क्वायर भी लिख देंगे. नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा ए सी और इधर से डी एफ हो जाएगा, तो ये भी दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे और इसकी स्क्वायर आपने लिख दी. ठीक है, और ये कंप्लीट का स्क्वायर आपका ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो है ना उसकी अगर आ जाएगी तो वो वैल्यूज भी इक्वल आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए आपके पास ई एफ इज इक्वल टू क्या, आपके पास 15.4 सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अभी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ है. तो आपने क्या किया, एक बार सपोज आपने इस स्टेप को इस थर्ड स्टेप के इक्वल रखा, बिकॉज हमें इनमें से एक वैल्यू गिवन है. ठीक है, आपके पास यहाँ पे 15.4 आ जाएगा तो आपके पास वन वैल्यू इसमें गिवन है, तो इसलिए हमने इसके इक्वल रखा. यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिखी, यहाँ पे जो वैल्यू है गिवन वो लिखी आपने, इज इक्वल टू बी सी इज डिवाइडेड बाई आपके पास EF है, BC की स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगी 8. ठीक है, आपने यहाँ पे देखिए BC की स्क्वायर, तो आपके BC की स्क्वायर रहेगा 64. अगर आप दोनों का क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट कर रहे हो, एक बार दोनों का क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड ही क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट लिया हमने, तो ये और ये कट हो गया, तो ये 64 है और ये 121 है. 64 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 8 का. ठीक है, और 121 11, तो यहाँ पे बीसी का बीसी बड़ा है आपके पास. ठीक है, यहाँ पे 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है. ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, अभी आप देखिए जब हम इस 15.4 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 11 से डिवाइड कीजिए. ठीक है, या फिर आप इसको 11 से डायरेक्टली कट कर दीजिए. 15.4 को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे. 11 वन सा आपके पास 11 आ गया, 5 में से 1 गया 4, ये पॉइंट जो है इधर चला गया, ये ऊपर से आ गया हमारे पास 4. ठीक है, 11 फोर जा आपके पास क्या आ गया, 44. अब आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आ गया 1.4. 1.4 को आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है. 8 फोर जा 32, 32 का 2, 3 कैरी, 8 वन जा 8, 8 और 3 कितना हो गया 9, 10, 11. 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बी सी की वैल्यू आ गई. ओके, सो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है. आपको एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं. ओके, थैंक यू.